अल्लाह दिस इज़ फाह एंड यूर वॉचिंग योर ओन फेवरेट यूट्यूब चैनल स्पीक इंग्लिश विद फाह दिस इज़ द सेकंड वीडियो अबाउट करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स पहले वाली वीडियो में हमने कुछ एग्जाम्पल्स दी कुछ रूल्स डिस्कस किए तो ये वाली जो वीडियो है दैट इज़ अ पार्ट टू और ये भी उसी चीज़ को आगे लेके चलेगी सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूँ तो दे डैश इन दिस ऑफिस फॉर मैनी ईयर्स अब मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी बताया था कि फॉर और सेंस जहाँ पर आ जाएगा वो परफेक्ट कॉन्टीन्यूसेंस होगा अब ये वॉक जो है ये प्रेजेंट को कर करता है वॉक जो है ये पास्ट को रिप्रेजेंट करता है विल बी वर्किंग फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को रिप्रेजेंट करता है जबकि हैव बिन वर्किंग हैज बिन वर्किंग विल हैव बिन वर्किंग शिल हैव बिन वर्किंग और हैड बिन वर्किंग जो है ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को फॉलो करता है तो यहाँ पे इसका आंसर ये होगा नेक्स्ट हमारे पास है वैन आई डैश आउट इट वॉज रेनिंग अब वैन इज़ अ कंजंक्शन जिसके बारे में पहले भी हमने रूल में बताया कि जहाँ पे वैन आ जाएगा उसके दो सेंटेंसेस मतलब सेंटेंसेज uh, दो सेंटेंसेस होंगे जो आपस में कनेक्टेड होंगे तो दो क्लॉजेज होंगे और यहाँ पे एक होगा जी पास्ट कॉन्टीन्यूस में और दूसरा आपके पास होना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट में तो हमारे पास पास्ट कॉन्टीन्यूस की एक एक्जाम्पल है दैट इज़ कॉल्ड केम कम प्रेजेंटली यूज़ होता नहीं नहीं आएगा हैज़ कम प्रेजेंट परफेक्टली होता नहीं आएगा और हैड कम प्रेजेंट परफेक्ट के लिए होता है और ये तब आता है जब आपके पास कंजंक्शन बिफोर हो जबकि वेन में ऐसा नहीं होता नेक्स्ट हमारे पास है मनी डैश द म्यार गो गो अब इसका मतलब ये ये सारे के सारे सेंग्स हैं सेंग्स के बारे में एक रूल आप अपने पास रख लें कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं है जो मकूले हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट इन टेंस के अलावा किसी चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे अब मनी है तो मनी लिखा हुआ है सिंगलर के तौर पर मेक्स लिखा हुआ है मेक रॉन्ग हो जाएगा विल मेक कभी नहीं आएगा फ्यूचर के बारे में नहीं है क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और मेड ये पास्ट की बात नहीं है यानी अभी ऐसे नहीं कि ये बात ख़त्म हो चुकी है ये परमानेंट चलेगी और रहेगी तो इसके लिए इसके साथ आप फर्स्ट फॉर्म एस लगाते हैं या आपके पास प्रेजेंट टेंस यूज होता है नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है माई फ्रेंड डैश टू लाहौर येस्टरडे येस्टरडे को अंडरलाइन कर लें येस्टरडे लिख लें जहाँ पर भी येस्टरडे होगा इसका मतलब क्या है कि वो पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है अब गोज़ की अगर बात करें ये प्रेजेंट इंडेफिनट में आता है वेंट सेकेंड फॉर्म सेकेंड फॉर्म का पास्ट इंडेफिनट के अलावा दुनिया में कहीं कोई यूज़ नहीं तो सेकेंड फॉर्म इज़ राइट हैज़ गॉन प्रेजेंट परफेक्ट है और विल गो जो है ये फ्यूचर इंडेफिनट है यहाँ पे वर्क नहीं करेगा नेक्स्ट अगर हमारे पास देखें तो लिखा भाजी ही लव्स टू डैश एट नून अब ये जो टू है ना और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और इसको हम कहेंगे इन्फेटिव इन्फिनेटिव का मतलब ये है कि वर्ब की फॉर्म हो और साथ में टू हो तो स्लीप फर्स्ट फॉर्म है स्लीपिंग सेकंड फॉर्म है नहीं आ सकता और हैव स्लैप ये प्रेजेंट परफेक्ट है और बी स्लेप्ट ये इस्तेमाल होता है पैसिव में नेक्स्ट हमारे पास देखें फिर यस्टरडे का रूल आ गया जी आ, दे डैश द प्रेजेंट एंड येस्टरडे अब सेम है तो येस्टरडे के लिए आपको पता होना चाहिए पास्ट एंड पे जाना है मेट इज़ द राइट फॉर्म हैड मेट पास्ट परफेक्ट है अगर यहाँ पे कुछ मनीर बिफोर मेनी ईयर्स आ जाता समथिंग लाइक दिस तो फिर हैड मेट आ सकता था दे हैज़ मेट द प्रेजिडेंट अगर यहाँ तक बात होती तो थी, ये ठीक था और अगर यहीं तक बात होती सिर्फ येस्टरडे ना होता तो फिर विल मीट बी एक्सेप्टेबल था नेक्स्ट पर चलते हैं सॉरी दे डैश कराची बाय नाओ बाय नाओ के बारे में हमने बता दिया कि बाय नाओ जब भी आएगा इट विल रिप्रजेंट फ्यूचर परफेक्टेंस अब हैव रीच्ड प्रेजेंट परफेक्ट है रीच्ड पास्ट है बाई नो नहीं हो सकता विल रीच फ्यूचर इंडेफिनेट है जबकि विल है सॉरी फॉर दैट नेक्स्ट है हमारे पास है डैश इन द ईस्ट डेली अब ये डेली के ऊपर भी है अब डेली का मतलब जो भी होगा वो आप प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस के साथ ही उसको लिंक करेंगे दूसरी बात ये वैसे भी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि द सन राइज इन द ईस्ट अब ये चेंज तो नहीं हो सकता राइज फर्स्ट फॉर्म है लेकिन क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ एस और ई e एस लानी एस या ई e एस आना चाहिए था तो राइज इज द राइट ऑप्शन रोज सेकेंड फॉर्म है और विल राइज जो है ये फ्यूचर इनडेफिनट है नेक्स्ट देखिए जी हमारे पास फिर एक कंप्लीट किस्म की सेंग आ गई है कि ऑल डैट ग्लीटर्स इज नॉट गोल्ड अब यहाँ पे ग्लीटर नहीं आएगा बिकॉज दैट जो है ये बेसिकली प्रोनाउन है और ये रिप्रेजेंट करता है थर्ड पर्सन सिंगुलर को तो इसके साथ क्या आएगा ग्लीटर्स आएगा ग्लिटर्ड का भी नहीं हो सकता क्योंकि ये कन्फर्म बात है विल ग्लिटर भी नहीं हो सकता तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड नेक्स्ट सैकेंड द देशन डैश बिफोर द डॉक्टर केम बिफोर हमारे पास आ गया बिफोर पे आपने कॉन्सेंट्रेट करना है एक पास्ट इंडेफिनट होना चाहिए जो आपके पास गिवन है और दूसरा पास्ट परफेक्ट होना चाहिए पास्ट परफेक्ट के लिए हैड के बाद थर्ड फॉर्म सो है डाइट हैज डाइट जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट है डाइट पास्ट इंडेफिनिट है और विल डाई फ्यूचर है नेक्स्ट पे जाते हैं ही सेट दैट यूनियन इज स्ट्रेंथ अब देखें एक तो यहाँ पे इस सेंटेंस को देख लें यूनियन इज स्ट्रेंथ ये सेम है और ये परमानेंट है ये कभी चेंज नहीं हो सकती और जो चीज़ें चेंज नहीं हो सकती उसके ऊपर टेंस का इम्पेक्ट नहीं होता इसलिए इज इस आता है अदरवाइज़ अगर आप इस रिपोर्टिंग स्पीच को देखें तो ये पास्ट इंडेफिनट में है अगर ये यूनिवर्सल ट्रुथ ना होता तो नेक्स्ट वाला सेंटेंस भी इसमें कन्वर्ट हो जाता नेक्स्ट पे जाते हैं आई डैश दिस लास्ट नाइट ये लास्ट वर्ड जो है ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये लास्ट वर्ड बेसिकली पास्ट के लिए है विल नॉट रेड विल नॉट सॉरी रीड ये आ जाएगा फ्यूचर uh, इंडेफिनिट में नहीं होगा डो नॉट रीड प्रेजेंट इंडेफिनिट में है एम नॉट रीड होता ही नहीं कभी है कभी ये रॉन्ग है स्ट्रक्चर ही गलत है और डिड नॉट ये देखें सेकेंड फॉर्म है ना डिड डिड नॉट रीड नेक्स्ट देखें जी ही डैश स्लीपिंग नाउ आपने सिर्फ वर्ब वर्ड्स पे क्लिक करना है कि कौन सा वर्ड आपको बताएगा ये जो वर्ड्स मैं सर्कल करता हूँ ना इनके साथ आप रूल्स लिखते जाया करें ताकि ये बाद में आपको हेल्प करें कि इस वर्ड का रूल क्या है और अगर आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे आप चाहे यही जो आपके सामने मैं वीडियोज़ बनाता हूँ इनकी प्रैक्टिस कर लें या आप कोई भी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लें तो इट्स गोना हेल्प यू अब यहाँ पर आप देखें ही डैश स्लीपिंग नाव अब अब की बात आ गई है तो ये प्रेजेंट को शो करेगा अब हैज़ बीन Sleeping नहीं हो सकता क्योंकि उसके बाद आपको सेंसर फॉर्म चाहिए सेंसर uh, फॉर चाहिए था हेडबिन में भी यही है और वॉज इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि नाउ लिखा हुआ है सो राइट ऑप्शन विल बी इज नेक्स्ट पे अगर चलें तो कहते हैं जी आई वर्क सो हार्ड दैट आई डैश पास ये जो आई वर्क ये पहले देखें ना आई वर्क सो हार्ड यहाँ तक आ गई पहले तो इस बात को माइंड में रख लें कि ये प्रेजेंट की बात है अब दैट यहाँ पे क्या है जी के तौर पे पे हो हो रहा है अब दैट फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट का हो तो सेकेंड पार्ट हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा अब वुड जो है वुड नहीं हो सकता मे नहीं हो सकता एम नहीं हो सकता तो इसके लिए एक ही ऑप्शन हमारे पास बचेगी दैट इज कॉल्ड शेल नेक्स्ट देखें जी अकावर्ड डैश मैनी टाइम्स बिफोर हिज डेथ अब ये भी यूनिवर्सल सी बात है कि जो एक बुजद्ल होता है वो अपनी मौत से पहले कई दफ़ा मरता है अब यहाँ पे आपने बिफोर पे कन्फ्यूज़ नहीं होना देखें बिफोर यहाँ पे एज अ कंजंक्शन इस्तेमाल नहीं हुआ वो ठीक है अगर कंजंक्शन होता तो ये वाला कम्प्लीट सेंटेंस होता जबकि हिज़ डेथ सेंटेंस नहीं है तो अब यहाँ पर आपने अकावर्ड डैश मैनी टाइम्स बिफोर हिज डेथ अब ये डाए जाएगा जैसे मैंने आपको बताया सारी सेग के साथ हम लोग फर्स्ट प्रेजेंट डेफिनेट यूज़ करते हैं डाइट पास्ट है विल डाए फ्यूचर इनडेफिनट है और हैज डाई पास परफेक्ट है नेक्स्ट पे जाते हैं जी नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट भी हमारे पास से uh, आ गई ड्राउनिंग मैन कैच इज एट अस्ट्रा अब डूबते को तिनके का सहारा है जैसे मैंने आपको बताया तो एक ही हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है वैसे फर्स्ट फॉर्म ये भी है लेकिन अ ड्राउनिंग मैन क्योंकि एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है ये देखें ये अ ड्राउनिंग मैन जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है और थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या करता है जी हमेशा अपने साथ एस और ई एस लेता है हैज़ कॉट नहीं आ सकता क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा विल कैच इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है अब नेक्स्ट भी बिल्कुल देख लीजिए द मुस्लिम बिलीव इन वन गॉड अब मुस्लिम जो है वो एक ख़ुदा पर यकीन रखते हैं अब ये प्रेजेंट इंडेफिनट को जाहिर कर रहा है ये भी पर्मनेंट सी बात है अब देखिए ये मुस्लिम के साथ एस लगा हुआ है तो ये थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया और थर्ड पर्सन प्लूरल अपने साथ एस या ई एस नहीं लेते तो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी बिलीवस नहीं आएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आता है विल बिलीव नहीं आएगा क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनट के साथ आता है बिलीवड पास्ट के साथ आता है इसलिए तीनों यहाँ पे राइट right नहीं होंगे नेक्स्ट में देखें जी अब इन्होंने इफ़ यहाँ पे लिख लिया जी अगर मैं इफ़ ही डैश टू मी आई वुड हैव हैल्प हिम कर लूँ फिर भी ठीक है या मैं यहाँ से आगे स्टार्ट कर लूँ फिर भी ठीक है अब आपके पास दो होते हैं आपके पास कम्प्लीट uh, क्लॉजेज़ होते हैं जिसको आप कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर अब हमारे पास एक ये मेन क्लॉज यहाँ पे गिवन है और हमारे पास इफ़ क्लॉज जो है मिसिंग है रूल हमें कहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ मतलब इफ uh, से भी रूल स्टार्ट कर सकते हैं मेन से भी कर सकते हैं अब आपने गौर करना है मैंने कहा अगर यहाँ पे प्रेजेंट होता यहाँ पे प्रेजेंट हो यहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म अगर लगाते हैं तो फिर यहाँ पे भी हमें फर्स्ट फॉर्म चाहिए जबकि वुड हैव हेल्प फर्स्ट फॉर्म नहीं है और ये जीरो कंडीशनल होता अगर ऐसा, ऐसा होता तो अगर हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाते हैं यहाँ पे ना हम सेकंड फॉम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और यहाँ पे हमारे पास विल होता तो फिर इसका मतलब था ये फर्स्ट कंडीशनल है अगर हम यहाँ पे पास्ट लगाएं और यहाँ पे वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगा दें तो सेकंड कंडीशनल है अगर हम यहाँ पे पास्ट परफेक्ट लगाएं इफ़ में और यहाँ पे हम जो है इस जगह पे वुड हैव हेल्प लगाएं तो तब ठीक है मेन क्लॉज में अगर वुड हैव हेल्प आ गया ना तो इसका मतलब जो इफ़ क्लॉज है उसके अंदर आपके पास पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं फॉलो करना है और ये थर्ड कंडीशनल का रूल है इसलिए यहाँ पे हैड कम राइट है विल कम जो है इफ़ कंडीशनल में कभी भी नहीं आ सकता केम आ सकता है लेकिन वो सेकंड कंडीशनल में आता है कम्स आता है फर्स्ट कंडीशनल में भी और जीरो uh, कंडीशनल में भी और फर्स्ट कंडीशनल में भी नेक्स्ट है जी आई डैश रिटर्न एन एप्लीकेशन ये देखें अब ये आ गया रिटर्न अब अगर ये थर्ड फॉर्म है थर्ड फॉर्म से पहले या तो आएगा इज़ आर एम अगर वो पैसे में है या आएगा हैज़ हैव हैड विल हैव या शेल हैव अब यहाँ पे आई और वी यू दे प्लूरल जितने भी हैं उनके साथ हैव आता है तो इसलिए इसने आई के साथ हैव लगाया हुआ है अगर यहाँ पे ही होता तो फिर हैज़ ठीक होता लेकिन ही नहीं है अच्छा हैड बिन के बाद रिटन अगर हैड बिन रिटन होता तो आगे लिखा होता बाय हिम ये फिर परफेक्ट पैसिव में चला जाता और हैव बिन रिटन भी इसी तरह होता आई हैव बिन रिटन ये भी पैसिव में चला जाता परफेक्ट के पैसिव किस में प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव में और हैड बिन पास परफेक्ट पैसिव में नेक्स्ट देखें जी यू डैश नॉट अब ये वर आ गया इज आ जाए आर आ जाए एम आ जाए और इसके बाद अगर तो आईएनजी है अगर आईएनजी की के आप में ऑप्शन है तो आप आईएनजी में लगा सकते हैं यानी ये कॉन्टीन्यूस सेंस में भी बन जाता है और अगर आपके पास आईएनजी की ऑप्शन चार ऑप्शन में मौजूद नहीं है तो फिर आपको इन हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगानी पड़े, पड़े, पड़ेगी और वो पैसेव बनेगा यू आर नॉट इन्वाइट फर्स्ट फॉर्म है यू आर नॉट इन्वाइटेड थर्ड फॉर्म के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल होता है यू आर नॉट इन्वाइट हो ही नहीं सकता क्योंकि प्रेजेंट में आता है यू आर नॉट हैव इन्वाइटेड नहीं हो सकता क्योंकि हैव तब आता जब हम वर इस्तेमाल ना करते लेकिन ऑलरेडी हमारे पास वहाँ पर वर है तो हम यहाँ पर थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट आप देखें मैंने कहा सेंस और फॉर आपने ढूँढना ये देखें जी सेंस और फॉर फॉर आ गया परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में क्या विल भी नहीं आ सकता will have आना चाहिए will have been shall have been been लगा हुआ है ऑलरेडी सॉरी जी बीन ऑलरेडी लगा हुआ है वाज नहीं लगा सकते बीन लगा हुआ है शैल हैव इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि ये ही है और ही के साथ हमेशा क्या आता है जी विल आता है तो will have will be the राइट ऑप्शन नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट वन अच्छा अब ये ये भी हमारे पास सेइंग के तौर पे है ना ब्यूटी जो है नीड्स नो ऑर्नामेंट्स के खूबसूरती को किसी किस्म की सजावट की जरूरत नहीं होती है तो ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जितनी सेंग्स हैं वो अपने साथ फर्स्ट फॉर्म फॉर्मेंस लेंगे या प्रेजेंट डेफिनेट टेंस होगा नीड ब्यूटी के साथ नहीं आता बिकॉज ब्यूटी इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नीडिट पास्ट इंडेफिनिट है और हैज़ नीड कभी हो ही नहीं सकता नेक्स्ट हम चलते हैं जी इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई डैश सक्सीडेड अब ये देखें हैड वर्कड हार्ड अब इसका हैड वर्क यहाँ तक देख लें इफ क्लॉज के अंदर हैड वर्क का मतलब है पास्ट परफेक्ट और अगर इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट आ रहा है तो फिर हमारे पास मेन क्लास में वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म आनी चाहिए ये थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी हुई यहाँ पे सक्सीडेड वुड हैव आना चाहिए अब ये थर्ड कंडीशनल है वुड हैव विल बी द राइट ऑप्शन विल हैव नहीं आ सकता वुड अगर आता है तो अपने साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेता है शेल हैव सक्सीडेड इसलिए नहीं आ सकता बिकॉज हम कंडीशनल की बात कर रहे हैं नेक्स्ट पे चलते हैं जी नेक्स्ट हमारा रूल कहता है ही हैज़ नॉट येट हीज़ वर्क अब देखिए हैज़ हो गया सॉरी हैज़ यहाँ पे कि वन सेकेंड जस्ट वेट अ सेकेंड ओके यहाँ पर देखिए जी हैज़ आ गया अब हैज़ जहाँ पे आ गया इसका बत, इसका मतलब ये कि uh, ये अपने साथ थर्ड फॉर्म लेगा uh, परफेक्ट की बात हो रही है कम्प्लीट फर्स्ट फॉर्म में नहीं आएगा कम्पलीट फर्स्ट फॉर्म इन डेफिनेटमी यूज होती है कम्पलीटेड थर्ड फॉर्म है और कंप्लीटिंग तब आता जब इज़ नॉट कम्प्लीटिंग आता वॉज नॉट कम्प्लीटिंग आता या नॉट बी कम्प्लीटिंग आता उसके बाद आप देखें बिफोर यू लीव यू डैश दिस वर्क अब देखें वो बिफोर वाला हमने एक रूल पढ़ा था जब वो कंजंक्शन के तौर पे आ जाए लेकिन अगर स्टार्ट में आए अगर स्टार्ट में आ जाए जाने से पहले तुम्हें अपना काम मुकम्मल करना होगा तो फिर फर्स्ट <coughs> वाला होगा इंडेफिनट में देखें आप और कॉमे के बाद जो सेकेंड सेंटेंस होगा वो किस में होगा फ्यूचर इंडेफिनट में होगा फिनिश प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करेगा फिनिश्ड जो है ये करेगा आपके पास्ट को और विल हैव फिनिश्ड पास्ट परफेक्ट को करेगा जबकि ये जो विल फिनिश है ना ये किसको रिप्रेजेंट करेगा ये रिप्रेजेंट करेगा प्रेजेंट और सॉरी फ्यूचर टेंस को नेक्स्ट पे आ जाते हैं जी ये वाला थोड़ा डिफरेंट आ गया जी ही सा डैश आउट ऑफ द रूम अब ये सा है सा क्या चीज़ है जी सा बेसिकली मेन वर्ब है अच्छा कुछ वर्ब्स की लिस्ट है जिसमें सी भी आता है ये अपने बाद बेर इन्फिनेटिव लेते हैं एक तो ये रूल होता है दूसरा रूल ये है कि ये इसके फ़ौरन बाद अगर आप देखें कि आपके पास क्या आ गया जी Uh, आपके पास प्रोनाउन आ गया और प्रोनाउन का आपके पास ऑब्जेक्टिव केस है तो ये अपने साथ आईएनजी एन लेंगी फर्स्ट फॉर्म के साथ अब ये देखें फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एन जी कहाँ पर है जी गोइंग के साथ लगा हुआ है आई सा हर वेंट नहीं आ सकता सेकेंड फॉर्म सेकेंड फॉर्म के बाद फिर सेकेंड फॉर्म आप प्रोनाउन के बाद यूज़ नहीं कर सकते गोज़ फर्स्ट फॉर्म आती नहीं है आई सा हर टू गो जैसे मैंने कहा जो कन्फ्यूज़ करता है आपको कि टू गो आउट ऑफ द रूम भी तो हो सकता था तो सा जो है लव है हेट है ये अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव ही लेते हैं अब आई सा हर गो आउट ऑफ द रूम नहीं है गो आउट ऑफ द रूम नहीं गोइंग आउट ऑफ द रूम इसमें जो है ज़्यादा सूटेबल है उसके बाद है इफ आई हैड रन फास्ट आई डैश द ट्रेन ये देखिए फिर थर्ड कंडीशनल है हैड के बाद रन आ गया हमारे पास पास्ट परफेक्ट आ रहा है हमारे पास तो दूसरे में वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म होना चाहिए अब देखें ये वैसे फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट के लिए सेकंड फॉर्म पास्ट के लिए फर्स्ट फॉर्म ऐसे प्रेजेंट के लिए वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म तो दिस इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट हमारे पास है वन ऑफ दिज बॉयज़ डैश गिलती अब आपने इसके ऊपर गौर करना है ये क्या है जी वन है अब वन सिंगुलर है सिंगुलर के साथ क्या आएगा जी इज आएगा इसलिए यहाँ पे इज है वन ऑफ दीज बॉयज़ कि उन लड़कों में से एक गलत है ये हमारे पास नाउन uh, है या प्रोनाउन है यहाँ पे जो भी नाउन हमारे पास आएंगे ना इनके बाद वन ऑफ दीज ईच ऑफ दीज मोस्ट ऑफ दैम ये सारे के सारे प्लूरल सेंस में यहाँ पे आएंगे मैनी ऑफ लेकिन मैनी आ के बाद ये सिंगुलर में आ जाएगा तो ये आपने रूल फॉलो करना है वन के साथ अब वन ऑफ दीज इसमें हमेशा क्या आएगा इज आएगा इसमें दो सेंटेंसेस और आते हैं अ नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ वो अगर आएंगे तो मैं उनको डिस्कस कर दूंगा जी नेक्स्ट पे जाते हैं ही डैश फॉर इंग्लैंड टमोरो अच्छा ही डैश फॉर इंग्लैंड टमोरो आपको मैंने कहा हुआ कि सेंस और फॉर अगर जब आ जाए तो फिर आपने क्या लगाना है जी वो हैज बिन हैड बिन लेकिन उस सेंस में जब फॉर के बाद आपको कोई टाइम स्पेस दिया हो आपके पास टाइम फ्रेम हो अब ये तो उसने कहा है कि वो इंग्लैंड के लिए कल जाएगा यहाँ पे फॉर एज अ प्रपोजिशन है टाइम क्यों नहीं बता रहा तो टुमारो आने वाले वक्त के बारे में है यहाँ पे आपने टुमारो को ही अंडरलाइन करना है और टुमारो का मतलब है कल यानी आने वाला दिन तो ये फ्यूचर इंडेफिनट पर जाएगा विल लीव राइट होगी हैज़ लेफ़्ट प्रेजेंट परफेक्ट है नहीं आएगा वॉज लिविंग ये हमारे पास है जी पास्ट कॉन्टीन्यूस नहीं आएगा और लेफ्ट पास्ट इंडेफिनट है अब ये देखिए जी चैरिटी डैश एट होम चैरिटी मैंने आपको कहा ये सेंग्स हैं कन्फर्म है तो सेंग के साथ आप क्या लगाएंगे जी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज़ करेंगे बिगेन पास्ट है विल बिगे फ्यूचर इंडेफिनिट है हैज़ बिगन प्रेजेंट परफेक्ट है नेक्स्ट आप देखें वी जनरली डैश उर्दू इन कॉलेज जहाँ वर्ड जनरली आ जाएगा ना जनरली आमतौर पे उसमें आप प्रेजेंट ही यूज़ करेंगे और प्रेजेंट सेंस में आपके पास फर्स्ट फॉर्म है अब फर्स्ट फॉर्म के साथ एस इसलिए नहीं है क्योंकि वी जो है वो फर्स्ट पर्सन है और प्लूरल है उसके बाद स्पोक सेकंड फॉर्म है नहीं आएगा यूईली की जनरली uh, और यूईली की वजह से और स्पोकन थर्ड फॉर्म है हेल्पिंग वर्ब के बगैर थर्ड फॉर्म कहीं भी इस्तेमाल नहीं होती नेक्स्ट देखें जी आई एडवाइज हिम डैश द ट्रुथ अब ये एडवाइज ये उन वर्ड्स की लिस्ट में से है जो अपने साथ इन्फिनेटिव लेते हैं बेयर इन्फिनेटिव नहीं लेते अब एडवाइज में जब भी आएगा तो uh, ट्रुथ के साथ आप हमेशा स्पीक यूज करते हैं से यूज नहीं करते टेल आप लाए like के लिए इस्तेमाल करते हैं आस्क आप क्वेश्चनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं जबकि स्पीक आप सच बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट देखें जी इट डैश सेंस मॉर्निंग अब सेंस आ गया आपके पास सेंस या फॉर में वही वाला रूल जो मैंने आपको बताया हुआ है परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में आना चाहिएगा अब विल बी ब्लोइंग तो नहीं हो सकता विल हैव इन ब्लोइंग होता इज़ ब्लोइंग नहीं हो सकता वैसे हो सकता है इट इज़ ब्लोइंग यहाँ पे हो सकता है लेकिन सिंस वॉर नहीं गया तो नहीं हो सकता ब्लो नहीं हो सकता वैसे ही फर्स्ट फॉर्म रॉन्ग है क्योंकि आ, इट के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती आपके पास एस और यस होना चाहिए लास्ट ऑप्शन आपके पास बचती है हैज बिन ब्लोइंग नेक्स्ट पे देखें जी आई डैश मिस्टर अहमद फॉर फाइव ईयर्स अब ये देखें फॉर आ गया अब आपके अकॉर्डिंग जो जैसे मैंने पहले रूल्स वाली बताया उसके अकॉर्डिंग हैव बिन नोन आना चाहिए ना अब जाने जा रहा हूँ अब मैं उसको पाँच साल से जानता हूँ ये उस सेंस में है जाने जा रहा हूँ जाने जा रहा हूँ ये नहीं है तो ये कॉन्टीन्यूस सेंस में नहीं आएगा ये एक उसकी परफेक्शन जाहिर करेगा नो आई नो मिस्टर अहमद फॉर फाइव ईयर्स अब नो no, नहीं आएगा अब आई हैव नोन मिस्टर अहमद मैं मिस्टर अहमद के बारे में जानता हूँ मैं उन, उनके बारे में समझता हूँ तो हैव नोन इज़ द राइट ऑप्शन हैज़ इसलिए नहीं आएगा आई के साथ हैज नहीं आता और एम नोइंग कभी भी नहीं आता होता मैं उसे जाने जा रहा हूँ ये कॉन्टीन्यूटी नहीं होती उसके बाद है जी हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट अब ये देखें ये क्या है जी ये सेंग है तो सेंग के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी जी फर्स्ट फॉर्म एस गो नहीं आएगा वेंट नहीं आएगा पास्ट में आई विल हैव गॉन नहीं आएगा क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है नेक्स्ट देखते हैं जी शी सेड दैट शी डैश गुड मार्क्स अब यहाँ पे इसका रूल एप्लीकेबल होगा सेड देखें रिपोर्टिंग स्पीच में सेड है सेकेंड है तो आगे भी जाके सेकेंड ही होना चाहिए अब ये कुड है अगर कुड तब हो सक, हो कुड हो सकता था अगर, अगर बल्कि कुड ही है सॉरी यहाँ पे होता इससे पहले कैन होता ठीक है यानी अगर उसने लिखा हुआ ना शी सेड कॉमा और आगे लिखा हुआ है कि शी कैन गेट गुड मार्क्स शी कैन गेट गुड मार्क्स तो फिर ये कुड गेट हो जाएगा क्योंकि सेकंड फॉर्म में चला जाएगा और सेकेंड फॉर्म किस लिए जाएगी बिकॉज सेड कन्वर्ट सेड कैन को कन्वर्ट कर देगा किसमें में कुड में अब विल होता तो फिर ये वुड होता यहाँ पे और विल uh, हैव होता तो वुड हैव होता जी और हैज़ होता तो फिर ये हैड हो जाता नेक्स्ट पे जैन जी स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस अब ये मैंने आपको बताया ये भी क्या है जी सेइंग है तो सेइंग में हम प्रेजेंट डेफिनेट यूज़ करते हैं स्लो एंड स्टडी जो है uh, इसमें विन नहीं आएगा विल विन नहीं आएगा और मे विन भी नहीं आएगा उसके बाद क्या है दे डैश अंटिल दे डाई अभी अंटिल पे आपने देखना है अनटिल आ गया ना तो इसका मतलब है अंटिल में एक सेंटेंस आपके पास हर हाल में होना चाहिए क्या जी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कौन सा है जी विल फाइट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है फाउट पास्ट इंडेफिनिट है हैड फाउट पास्ट परफेक्ट है और वर फाइटिंग क्या चीज़ है जी पास्ट uh, कॉन्टिनस उसके बाद ये वाला रूल अपने पास कहीं परमानेंट वाला लिख लें लेस्ट वाला ना लेस्ट के बाद हमेशा शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है ये पक्के वाला रूल ये नीव वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल अब लेस्ट के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आनी है लेस्ट के बाद शुड और फर्स्ट फॉर्म आनी है विल फेल नहीं आएगा फेल नहीं आएगा कैन फेल नहीं आएगा नेक्स्ट पे जाते हैं जी दिस बुक डैश लास्ट ईयर अब ये लास्ट जो आपको बता रहे हैं ना लास्ट इसको आप बता रहे हैं कि जी लास्ट पिछले साल की बात है तो ये ये पक्की बात है ये परफेक्ट में बात चली जाएगी अच्छा वॉज बिन पब्लिश हैज़ की वजह से, से नहीं आ सकता अब इज़ पब्लिश इज़ की वजह से नहीं आ सकता अब वॉज पब्लिश्ड ये पिछले साल की गई थी दिस बुक ना अब हैड बिन पब्लिश्ड इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि ये पैसि सेंस है और पैसिव सेंस के अंदर आप कभी भी सब्जेक्ट जो है वो एक्टिवली यूज़ नहीं कर सकते आपने कहा दिस बुक हैड बिन पब्लिश लास्ट ईयर बाय हिम आप करते फिर ठीक होता उसके बाद नेक्स्ट पे जाते हैं नेक्स्ट कहते हैं जी माय फ्रेंड डैश अकार लास्ट वीक अब पिछले वीक की अगर वो बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये पास्ट की बात कर रहा है तो पास्ट सेकंड फॉर्म लेगा बॉट इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ बाय हैज़ बॉट क्या है जी ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं चलेगा विल बाय क्या है फ्यूचर इनडेफिनेटली नहीं चलेगा हैड बॉट तब होता ये लास्ट वीक बड़ा जिसको आप कहते हैं बड़ी क्लोज की बात है तो ये इसकी वजह से हैड सॉरी ये वीक की वजह से जो है ये नहीं होगा अगर ये इन लास्ट डेकेड आता तो फिर हैड इस्तेमाल कर सकते थे नेक्स्ट हमारे पास आता है द वर्कर्स डैश ऑन स्ट्राइक फॉर अ वीक अब वर्कर्स जो है वो एक वीक से जो है स्ट्राइक पे हैं फॉर अ वीक एक वीक से अब वर्कर्स आर ऑन स्ट्राइक नहीं होता हैड नहीं होता जी अब हैव बीन ऑन वीक का मतलब क्या है कि उन्होंने कॉन्टीन्यूस रखी हुई अभी उनकी ख़त्म नहीं हुई इज इस्तेमाल यहाँ पर नहीं हो सकता अब यहाँ पे देखें फॉर आ गया है के बाद आपने कहा कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आए जी क्यों नहीं आया तो ऑन स्ट्राइक जो है स्ट्राइकिंग नहीं कर सकता ऑन स्ट्राइक इज़ अ राइट वर्ब और ये नॉन कॉन्टीन्यूस सेंस में है तो इसलिए इसको हम ऑन कॉन्टीन्यूस ऑन सॉरी स्ट्राइक के साथ इसको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट हमारे पास आता है कहता जी यू विल फॉल इल इफ यू डैश टू मच अब देखें इफ़ आ गया कंडीशनल सेंटेंस हो गया अब कंडीशनल सेंटेंस में मेन के अंदर अगर फ्यूचर इंडेफिनिट आ जाता है तो इसका मतलब वो फर्स्ट कंडीशनल है और अगर वहाँ पे फर्स्ट कंडीशनल आएगा फ्यूचर आएगा तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट सेंस चाहिए और यू के साथ प्रेजेंट सेंस क्या है जी ईट है यू थर्ड सेकंड पर्सन है ईट्स नहीं आ सकता इज ईटन कभी नहीं आ सकता क्योंकि कंडीशनल है हैव ईटन कभी नहीं आ सकता क्योंकि हम कंडीशनल की बात कर रहे हैं नेक्स्ट हमारे पास है कहते हैं जी ही कैन डैश अ कार वेरी वेल अब ये कैन आ गया हमारे पास कैन जहाँ पे भी आएगा ना फर्स्ट फॉर्म लेगा एस और ई एस इस इसमें नहीं आएगा ड्राइव्स फर्स्ट फॉर्म है लेकिन एस है ड्राइविंग नहीं आ सकता क्योंकि हमें फ़र्स्ट फॉर्म चाहिए ड्रोव सेकेंड फॉर्म में नहीं चाहिए और ड्राइव इज़ द फर्स्ट फॉर्म नेक्स्ट देखें जी वॉक केयरफुली ये देखें लेस्ट आ गया आपके पास अब लेस्ट में मैंने कहा था शुड और फर्स्ट फॉर्म अब ये फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे है ऑलरेडी तो हमें शुड चाहिए विल नहीं आएगा शेल नहीं आएगा वुड नहीं आएगा क्या आएगा जी शुड आएगा क्यों बिकॉज लेस्ट लगा हुआ है नेक्स्ट एवरी वन डैश टू डाई वन डे अब देखें ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है अब इसमें आ जैसे कि हमने यूनिवर्सल में कहा कि हम मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनेट इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसके बाद इसने इन्फिनेटिव यूज़ कर लिया अब इन्फिनेटिव अगर यूज़ करेगा तो हेल्पिंग वर्ब होगा और हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट अब हैड टू डाई इसलिए नहीं है क्योंकि ये कन्फर्म सिचुएशन है इसको हम पास्ट में नहीं कर सकते हैव इसलिए नहीं आ सकता बिकॉज एवरी वन जो है वो सिंगलर uh, है अपने साथ हैज़ नहीं लेता और उसके बाद बल्कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है सॉरी और अगर इज़ इस हैविंग इसलिए नहीं आ सकता तो इज़ हैविंग टू तो डाई तो नहीं हो सकता ये यूनिवर्सल ट्रूथ है इसके साथ ये सूट ही नहीं करता तो एवरी वन हैज़ टू डाई वन डे हर किसी को एक दिन मरना है अब यही डैश मी यस्टरडे पे आ जाए जी यस्टरडे पास्ट डेफिनेट को रिप्रेजेंट करता है मीट फर्स्ट फॉर्म में नहीं आएगा <coughs> मीट्स आ जाएगा लेकिन अगर यस्टरडे ना हो तो मेट सेकेंड फॉर्म है यस्टरडे की वजह से ये राइट है हेड मेट इसलिए है क्योंकि हम माजी करीब की बात कर रहे हैं माजी बेद की बात नहीं कर रहे नेक्स्ट हमारे पास है कहते जी यू हैड बेटर टू योर डॉक्टर मैंने आपको पहले कहा था कि जहाँ पे हैड बेटर का यूज़ आ जाएगा वहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे ही जाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे हमारे पास कौन है गो है जी वेंट कभी नहीं आ सकता है हैज़ हैव हैड के बाद गॉन आ सकता है लेकिन अगर बेटर ना लगा हो हैव हैड ऑलरेडी लगा हुआ है तो हैव गॉन कैसे आ सकता है उसके बाद जी ये पुराना रूल दोबारा रिपीट हो रहा है वुड दैट डैश अ वड दैट आई डैश रिच हमेशा अवुड दैट एज़ इफ के साथ आपने क्या यूज़ करना है जी वर्ड यूज़ करना है तो हमारे पास वर् इज़ द रट ऑप्शन चलिए दिस वॉज द सेकेंड लेसन अबाउट करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स इसमें तीन और लेसन होंगे और अगर आप इसको प्रॉपरली गो थ्रू करके इफ़ यूर गोना क्रिएट अ नोट बुक फॉर यू ईट्स गोना हेल्प यू अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें मुझे दवाओ में याद रखें असल अल्लाह हाफ़